प्रणाम महादेव। प्रणाम कामदेव। देख बकुला, ये अपने कामदेव, नया नाम लव गुरु। नाम कामदेव है लेकिन कुछ खास काम होता नहीं इनको। नारायण नारायण, ऐसा मत कहिए यमराज। समग्र विश्व में सबके दिलों को अपने प्रेम बाण से घायल करना ही इनका काम है। हाँ, पिक्चर देखी थी ना मैंने, नैन नैन नहीं मिला। धर्मराज, धर्मराज, बकुला बहन को प्यार से क्या बोलते हो? सिस्टर, 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 भले मैं स्टोरी भी लिखता हूँ, साइड बिजनेस। अच्छा, तुम्हें गुजराती छो? तुम्हें संजय लीला बंसाली ने उड़को छो? मेरी बस एक ही इच्छा है, एक बार संजय लीला बंसाली को अपनी स्टोरी सुनाओ और वो उस पर फिल्म बनाए। आपकी इच्छा बाद में काम दे, पहले हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। आपका कार्य मुझे पता है प्रभु, पर बड़े मुश्किल से एक स्रोत मिला है संजय लीला बंसाली से कांटेक्ट करने का। बहन को अपना लव स्टोरी थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं। बकुला बहन, फिल्म का नाम है प्रेम में पड़े नैना भलम चले चाइना। इंडिया और चाइना की लव स्टोरी है। नहीं चलेगी, कुछ और सोचिए। क्या हालचाल है धनजी भाई? बस रेखा बहन, आप पिछला हिसाब चुका देंगी ना तो मेरे हालचाल भी अच्छे हो जाएंगे। तुम रवजी भाई, पैसा 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 करते रहते हो। अरे आप तो मेरे मुंह बोले भाई हो। पता है आपको, रक्षाबंधन के दिन मैं आपका इंतजार भी कर रही थी राखी बांधने के लिए। इसीलिए मैं रक्षाबंधन पे नहीं आया हूँ। क्यों? क्यों क्या बहन, आप राखी बंधवा के पिछला हिसाब तो माफ करवा ही देती और ऊपर से मुझे राखी बंधवाने के पैसे देने पड़ते हो अलग, पर मैं दूसरे दिन आया था। मैं क्यों? अरे बेन, मजाक करना तो कोई आपसे सीखे हो। मैं आया था पैसे लेने, पर चंदू भाई ने बोला कि आप बाहर गए हैं। हाँ, वो मैं नहीं थी। हाँ, चंदू भाई बेचारे भोले है ना, वो आके मुझे यही बोले कि आपने उनको बोला है कि आप बाहर गए हैं, ऐसा बोल दो। वो मेरा चंदू भी ना बिल्कुल भोला भाला है। क्या है ये, कुछ भी बोल देता है। बेन गरीब मानस छू, पिछला हिसाब चुपटे कर दो ना तो पेट में कुछ जाए। क्या भी? ए धनजी, तू तो कहीं बोल। बेना धनजी है, ये मेरा साला है, गांव से आया है अभी अभी, इसे भी साथ में लेके आया हूँ धंधा सिखाने के लिए।